मोहम्मदपुर पांडर गांव में कुछ शरारती तत्व द्वारा खेड़ा भूमि पर तोड़फोड़ की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। आपको बता दें कि थाना पिरान कलियर के मोहम्मदपुर पांडर गांव में कुछ शरारती तत्वों द्वारा भूमिया खेड़ा में तोड़फोड़ की गई है, जिसमें हिंदू संगठनों द्वारा देर रात ही चौकी इमली खेड़ा आकर स्थानीय पुलिस को घटना की बाबत अवगत कराया गया था, जिसमें हिंदू संगठन द्वारा घटना के बारे में नारेबाजी भी की गई, जिसमें हिंदू संगठन द्वारा एवं गांव वालों की ओर से चौकी इमली खेड़ा में आकर अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्व द्वारा पहले भी ऐसी कई बार घटनाएं कर चुके हैं, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिसमें हम पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। पंकज सैनी एवं पवन कुमार प्रधान ने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल के साथ कई बार तोड़फोड़ की गई, जिसमें हमारे द्वारा स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की जा रही है। यदि इन शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो हमें धरना प्रदर्शन एवं घेराव करने को मजबूर होना पड़ेगा और इसका खामियाजा पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। उसकी तोड़फोड़ करी गई है, उस पर जो सामग्री रखी हुई थी वहाँ पे करवे वगैरह रखे हुए हैं, घड़े वगैरह रखे, दोगड़ रखे हुए हैं, उसमें तोड़फोड़ की है। जो वहाँ पे जो कल पूजा की गई है उसकी सामग्री जो है वो सब बिखराई गई वहाँ पर। इस विषय में सभी आदमी मिलकर के यहाँ गाँव से इमली पुलिस चौकी में गए हैं, वहाँ प्रशासन को अपनी बात बताई जा करके, बात बताने के बाद साथ साथ उन्होंने कार्रवाई करने थोड़ा मना किया। फिर हम लोगों ने एसडीएम को कॉल किया, एसडीएम ने एक्शन लिया, साथ साथ एसओ को यहाँ भेजा गया। एसओ भेजने के बाद उन्होंने फिर गिरफ्तारी भी किया। उसके बाद आज घटना जो है ये है कि हमारे जो गाँव वाले बैठे हैं इनके बिना बताए ही वो जो पेशकल हुई थी उन्हें छोड़ दिया गया। गाँव में किसी को भी इस बात की खबर नहीं है कि छोड़ा क्यों गया, कि वह हमारे बिना ये एक्शन लिया कैसे गया। ये मामला ये है, मैं गांव सब हम प्रधान और हमारे पास मतलब पांच चार आदमी आए, उन्होंने कहा बात है प्रधान जी गांव में मतलब वो भूमिया खेड़े का स्थान है आज ही पूजे रहा, औरतों ने आज पूजन करा था उसका, और उसमें जाकर घड़े घुड़े भी और जो मूर्ति थी वो सब तोड़ दी गई। और मतलब इसको मतलब गांव वालों से बातचीत कर लो या प्रशासन से बातचीत करो। हमने प्रशासन इन्हें मैंने कहा भाई गांव में शांति रखो, कोई झगड़ा प्रसाद ना करियो और मतलब प्रशासन से हम बात करेंगे। हमने वहां जाकर तहरीर दी, तहरीर पर फिर कोई एक्शन हमारी नहीं लिया गया। फिर उसके बाद में सीओ साहब भी आए, सीओ साहब ने खैर कहा कि जी मतलब गलत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने कहा चलो ठीक, तो रात में उठा लिए थे। अब फिलहाल मतलब इन गांव वालों का कहना यह है, मेरा भी यही कहना है, मतलब इन्हें शाम को बुलाकर इनसे बातचीत करते, जो भी मामला होता वो बात बैठ कर होती। पांच सात दस आदमी मेरे गांव के बुजुर्ग भी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं और गांव के काफ़ी आदमी यहाँ बैठे हैं, वो 150 आदमी बैठे होंगे। तो मतलब इसमें एक बार नहीं, तीसरा चांस हो गया। एक बार पहले सीओ साहब को बुलवाए थे, उनका जो मतलब गर्दन थी जो ऊपर सिर थे उनके वे सब तोड़ फोड़ दिए थे। मुझे ये कहा गया था प्रधान जी आप इन्हें मतलब मेरे कहने से भी इन्हें मतलब चिन्हवा दो, ठीक करवा दो। हमने गांव वालों से मीटिंग करी इनसे, इन्होंने जो कमेटी के मतलब मंदिर कमेटी के आदमी हैं इन्होंने 500-500 किसी ने 1000 रुपये दे के वो तैयार करा दिए थे। हमने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया भाई चलो ठीक हो गया, अग्नि ऐसा करने गए, उन लोगों ने गलती मान ली थी अपनी। लेकिन आज फिर वही बात, कल 6 बजे करीब मेरे को फोन आया, मैं बाहर गया था, मैं आया मैंने इन्हें समझाई, मैं कोई गलत कार्रवाई ना करो, कोई झगड़ा ना होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। मैं थाने में भी यही बात कहा, चौकी में भी यही बात कही, सीओ साहब को ये हुई कि हमारा जो हिंदू समाज है उसके कुछ तीर्थ गाँव के बाहर आउटर स्टेट में मतलब आउटर सेंटर में गाँव के बाहर, तो वहाँ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट इकट्ठे हुए, तो इससे पहले भी ये घटना पुनरावृत्ति कई बार हो चुकी। उसके बाद भी हिंदू समाज ने अपनी टॉलरेंस दिखाते हुए कुछ भी गांव में बड़े लोगों ने बैठकर आपस में समरसता को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बात को सुलझा लिया, लेकिन ये घटना समय समय पर पुनरावृत्ति को
इसका मतलब किसी इसके पीछे या तो किसी बाह्य ताकत का हाथ है या वो किसी बच्चों के द्वारा अगर किया गया तो वो लोगों को आगे बात करनी चाहिए। हिंदू समाज के लोग जब एकत्र हुए मंदिर पर, तो हिंदू समाज के लोग जब एकत्र हुए और जब से गुहार लगा रहे मुस्लिम समाज से, तो आगे यहाँ से बात करी जाए, या फिर जैसे यहाँ हिंदू समाज के कुछ लोग एकत्र होकर आप पुलिस प्रशासन के पास गए, तो पुलिस प्रशासन पहले तो उसके लिए कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। अगर उसके बाद आला अधिकारियों से बात की गई और उसके बाद अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया, तो कुछ लोगों को चिन्हित करके उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद बिना किसी हिंदू समाज के सलाह लिए बिना उनको रिहा कर दिया गया, जबकि उनको अभी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहिए था, लेकिन उसके बिना किसी अनुमति के उन्हें छोड़ दिया गया। तो ऐसा तो ये घटना पुनरावृत्ति होगी। अगर ये माहौल बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। अगर इसमें किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट की लापरवाही बरती जा रही है, तो ये एक तरीके से एट ऑल लेंस फैलाई जा रही समाज के द्वारा। तो अगर हिंदू समाज अभी शांति बनाए रखे है, अगर ये ऐसे सुनता फैलाने लगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसी हमारी एक ही गुहार है पुलिस प्रशासन से कि हिंदू समाज से बात करे बैठ के, और जिन लोगों को अरेस्ट किया उनको या तो जुडिशियल कस्टडी में भेजे या पुलिस हिरासत में तब तक रखे, तब तक इस बात की पुष्टि नहीं होती कि यह तीर्थ किसके द्वारा टूटा गया। इससे पहले भी कई बार उसके मेरे पास आज भी प्रमाण है, अगर आपको हो तो मैं दिखा दूं उसके प्रमाण। अभी थोड़े दिन पहले माता जी का मंदिर, तो ये प्रमाण है। और जैसा हमारी माताएं बहनें वहां पूजने जाती हैं, तो उनके ऊपर समाज के जितने भी लोग लड़के वहां खड़े होते हैं, सारे रोड पर खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर फटकार और कमेंट कसे जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन कहां से हो रहा? पुलिस प्रशासन के द्वारा रात ये कहा गया कि कैमरे लगाओ। जब हमने ये चिन्हित कर दिया और ये सुनिश्चित हो गया कि इस व्यक्ति के द्वारा तोड़े गए, तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कैमरे का भी विकल्प ढूंढा जा सकता है, पेड़ पर चढ़कर कैमरा बैक जाके उसको तोड़ा जा सकता है, या उसको ब्लैक पन्नी चिकन वाली बांध कर तो उसके कृत्य किए जा सकता है। तो ये कोई सोल्यूशन थोड़ा है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सलाह दी जा रही लोगों को और एट ऑल लेंस फैलाने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन हिंदू समाज के लोगों की भी बात सुने और कोई सतर्क और एक सुनिश्चित कार्रवाई करने की कृपया करें। दमदार खबरों के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों के खबरें देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।